इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार यानी 18 मार्च को एक बार फिर बरेली पुलिस तौकीर रजा के घर पहुंची। पुलिस ने रजा के घर पर गैर जमानती वारंट यानी NBW का नोटिस चस्पा कर दिया। अगर मौलाना 19 मार्च यानी आज कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। दरअसल 2 मार्च 2010 को हुए दंगे के दोषी मौलाना तौकीर रजा के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया। बरेली में हुए दंगे के लिए बरेली की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड मानकर दोषी माना। बरेली के दंगे के लिए अदालत की ओर से इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया था। ADJ फास्ट ट्रैक कोर्ट के रवि कुमार दिवाकर ने समन जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन मौलाना तौकीर रजा 11 तारीख को हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद 13 तारीख को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अभी तक मौलाना के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। उनकी तलाश के लिए बरेली पुलिस दिल्ली, हैदराबाद, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में तलाश कर रही है। इस मुद्दे पर और जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता बताते हैं, 2010 में हुए बरेली में दंगे में मौलाना तौकीर रजा खां को कोर्ट ने मास्टरमाइंड माना है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पहले वारंट में उन्होंने इंस्पेक्टर को निर्देश दिए थे गिरफ्तार करें, फिर उसके बाद सीधे SSP को कहा कि कोर्ट ने कि इनको मौलाना तौकीर रजा खां को पेश किया जाए, लेकिन तभी से मौलाना तौकीर रजा खां लापता हैं। पुलिस उन्हें सरगमी से तलाश कर रही है, कभी दिल्ली, कभी पश्चिम बंगाल और कभी उवैसी के गढ़ हैदराबाद में उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा खां पुलिस को कहीं नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट ने इसमें सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मास्टरमाइंड का वजह से 2010 में कोहलापीर में जो दंगा हुआ था, जिसमें 20 दुकानें जला दी गई थी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर माल की हानि हुई थी और पूरा शहर बहुत लंबे समय तक दंगाइयों के कब्जे में रहा था। कई घंटे अफरातफरी का दौर था, उसी को संज्ञान लेते हुए उन्होंने माना कि ये सारा घटनाक्रम मौलाना तौकीर रजा खां के बयानों की वजह से हुआ था और वो ही इस सारे दंगे में मास्टरमाइंड है। कभी गिरफ्तारी के लिए खुद दावा करने वाले मौलाना तौकीर रजा खां आज गायब हैं और पुलिस उनकी जगह जगह तलाश कर रही है। 21 तारीख को अब इस बात की भी सुनवाई है कि एक उसी में आरोपी ने कहा है जज पे आरोप लगाते हुए कि जज जो हैं वो प्रभावित हैं और एक धर्म विशेष के प्रति नकारात्मक धारणा रखते हैं, उसको लेकर एक ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई है। तो काफी दाव कानूनी दाव पेचों के बीच में अब ये देखना है कि मौलाना तौकीर रजा तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। आपको बता दें कि बरेलवी मुसलमानों के बीच खासा प्रभाव रखने वाले तौकीर रजा अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में UP पुलिस ने पिछले साल उन पर मामला दर्ज किया था। वहीं हाल फिलहाल में तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया था। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, UP तक।